डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर, ठीक है। सो डिपार्टमेंटल स्टोर का बेस्ट एग्जांपल मैंने कौन सा दिया था तुमको? शॉपर स्टॉप दिया था, जो के रहेजा ग्रुप मालिक है। आई थिंक दे हैव गॉट मोर देन 80 स्टोर्स अक्रॉस मोर देन 40 सिटीज। 3,500 करोड़ का उनका टर्नओवर है। डिपार्टमेंटल स्टोर इज नथिंग, हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक परफ्यूम का है, एक कपड़ों का है, होम डेकोर का, तकिए जो आते हैं ना वो सब अच्छे। फिर हैंडबैग्स, शूज, इफ यू गो देयर, थोड़ा सा लग्जूरियस टाइप रहता है। एस्टेब्लिश करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। एक सिटी में एक दो हो सकता है, बट शॉपर स्टॉप मुंबई में 10 जगह, क्योंकि एस्टेब्लिश वहां पे होगा। बाकी छोटे मोटे सिटीज में तुमको एक ही मिलेगा। चेन स्टोर्स एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी। तुम इसका कौन सा एग्जाम्पल लोगे? आई थिंक टाटा क्रोमा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या रिलायंस डिजिटल उससे अच्छा एग्जाम्पल है। रिलायंस डिजिटल जब आया तो आई थिंक कहाँ पे था? सिटी सेंटर में था। अभी नासिक में 7-8 जगह इजिली तुमको मिल जाएगा। टाटा क्रोमा कहाँ पे था? सिर्फ कॉलेज रोड में था। अभी कहाँ पे खोला है उन लोगों ने? नासिक रोड। एंड दे आर डूइंग वेरी फाइन, क्योंकि तुमको ऑनलाइन भरोसा नहीं है, ऑफलाइन बाय करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे तुम भरोसा काम करोगे? यदि कॉस्टली है, 1,000, 1,500, 500 का रहेगा तो तुम लोकल खरीद लोगे। बट इफ यू वांट JBL के हायर एंड या बोस के चाहिए, तुम शायद ऑनलाइन ना मंगा, तो तुम ऑफलाइन जाओगे। ऑफलाइन में इन दोनों का ही ब्रांड है। बोस का एक्सक्लूसिव स्टोर नासिक जैसे Tier 2 सिटी में नहीं आएगा, क्योंकि उनका स्टार्टिंग ही 15-20 हजार में होता है। उनका सस्ता एक आता है 8-9 हजार का, जैसे JBL का आता है ना, JBL गो करके एक छोटा सा आता है, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा म्यूजिक, सॉरी म्यूजिक सिस्टम क्या बोलते हैं, छोटा सा स्पीकर, छोटा सा आता है। बट बोस का छोटा सा स्पीकर का स्टार्टिंग ही 9,000 है, लोएस्ट उनका। एंड देन तुमको 5 लाख तक तुमको मिल जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स बोस के। तो एक्सक्लूसिवली चेन स्टोर कम और धीरे धीरे खोलते हैं, मे बी एक सिटी में 2-3 जगह, उससे ज्यादा वो लोग ओपन नहीं कर, डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी बट लिमिटेड। वो ये कौन से खोलेंगे? बाटा जैसे लोग, जिनका प्राइसिंग थोड़ा सा मीडियम है। लोग गलती करते हैं कि बाटा को इंडियन कंपनी मानते हैं। इट्स अ टेक रिपब्लिक का कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है। 60 कंट्रीज या 70 कंट्रीज के ऊपर बाटा है, करेक्ट। डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ पे तुमको वैरायटी ऑफ गुड्स मिलना ही है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर, यदि कपड़ों का है तो तुमको वैरायटी अच्छा खासा मिलेगा। चेन स्टोर में तुमको, तुम नाइकी के इसमें गए तो तुमको नाइकी का ही मिलना है, तुमको एडिडास का वहां पे नहीं मिलना है। हाँ, यदि तुम इधर गए पिज्जा हट, पिज्जा हट के बाजू में KFC मिलना है, क्यों? दोनों का मालिक एक ही है, यम फूड्स। और एक चिपोटल है ना, चिपोटल सुना है? अपन नासिक वाले गरीब लोग है, अपने को कुछ समझे, सब बॉम्बे में, ये सब अमेरिका, ये सब जगह का फेमस है, बॉम्बे में है। ये तीनों का मालिक एक ही है, यम फूड्स। नासिक में भी आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। स्टारबक्स आ गया तो ये भी आ जाना चाहिए। ब्राउन्स के चिपोटले करते हैं, बहुत, मैंने टेस्ट नहीं किया बट मैंने सुना है बहुत अच्छा। अमेरिका में तो उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तुम्हारे स्टारबक्स, सबवे, ये सब के 25-30-35 हजार आउटलेट्स है वर्ल्ड वाइड। मैकडोनल्ड्स कैन गो एज हाई 40-45 थाउजेंड तक पहुंच जाता होगा उसके आउटलेट्स जो वर्ल्ड वाइड। सोचो कितना बड़ा चेन स्टोर लोग बना लेते हैं। लोकेशन, डिपार्टमेंटल सेंट्रल लोकेशन जगह फुल हो गया तो आउटस्कर्ट्स पे चले जाते हैं। चेन स्टोर जो इनको अच्छा जगह बाइक पार मिल जाए, लोग चले जाते हैं वहां पे। कैपिटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भाई, तुम अलग अलग डिपार्टमेंट्स, पूरा बिल्डिंग, इट्स अ करोड़ का इन्वेस्टमेंट। चेन स्टोर्स हैवी लैक्स में तुम शुरू कर सकते हो, बट डिपार्टमेंटल तुम्हारा, ये कब शुरू हुआ था? शॉपर स्टॉप 1891 में आई थिंक। नासिक में आने को कितना टाइम लगा? 30 साल। आइकिया पहला आया बैंगलोर में, हैदराबाद में, फिर अभी नवी मुंबई में 2018-19 में आया इंडिया में, 2-3-4 साल बाद आया बॉम्बे में। अभी दो जगह प्लांट है, पुणे बैंगलोर। नासिक में तो अगले 20 साल तो लगता ही नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टोर है दैट इज इक्वल टू 10 फुटबॉल फील्ड्स, उतना बड़ा। किसी को खाना हो आइकिया के अंदर, 1,000 लोग के लिए बस उनका रेस्टोरेंट का जगह रहता है। सो इमेजिन करो उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। एटलीस्ट 1,000+ करोड़ का इन्वेस्टमेंट से आइकिया आता है। सो लोग आसानी से खोल नहीं सकते, और बिकॉज इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फर्नीचर ब्रांड, वो लोग ऑर्डिनरी काम कर नहीं सकते।
एप्पल 5,000 के एयरपॉड नहीं लाएगा। एप्पल को अपना ब्रांड और क्वालिटी रखना पड़ता है। वो लोग अंदर जो गोल्ड है ना, रिसाइकल्ड गोल्ड, वो सब ओरिजिनल फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ पे लोकल लेवल पे चल जाता है, लेकिन जो एप्पल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना सिरेमिक, बीच में आईफोन का कौन सा प्रोडक्ट नंबर था याद नहीं आ रहा है, एरोप्लेन ग्रेड एल्यूमिनियम यूज कर रहे थे उन्होंने। और स्टील भी जो यूज करते हैं वो सर्जिकल ग्रेड, सर्जिकल में रखती है, बहुत हाई ग्रेड रखता है। ये लोग ये ग्रेड यूज करते हैं, तो उसका कॉस्ट भी तुमको चुकाना पड़ता है। सो डिपार्टमेंट स्टोर यहाँ पे काफी कम, एक मे बी 400 स्क्वायर फीट के जगह पे तुम चालू कर सकते हो। डिपार्टमेंट स्टोर तो 40,000-50,000 स्क्वायर फीट का दायरा है, करेक्ट प्राइस। डिपार्टमेंट स्टोर में प्राइस बहुत हाई रहेगा। शॉपर स्टॉप में तुम नॉन ऑफ सीजन में छोड़ के जहां पे डिस्काउंट नहीं जाओगे तो तुमको बहुत कॉस्टली लगेगा। चेन स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर की कंपैरिजन में कम है, बट अगेन कौन सा प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे 50-100 का स्टाफ होगा, एयर कंडीशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा और उसका मेंटेनेंस होगा, तो बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और चेन स्टोर का कम 400 स्क्वायर फीट का दुकान क्या आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर भी रहेगा बट डिपार्टमेंटल कॉस्ट से तो कम। एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल स्टोर का और इसका बाटा, तो इस प्रकार से खत्म।